लास्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ध्यान से समझो, कोई स्टूडेंट आया वो कहता है मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने फोर्स पढ़ाया, मेरे को बड़ा मज़ा आया कि चलो हम फोर्स पढ़ेंगे, GMM आर स्क्वायर पढ़ेंगे, अच्छा लगा, अर्थ इसको खींचती है, अर्थ उसको खींचती है, मून इसको, समझ में आ रही है बात। मुझे ये नहीं समझ में आई यार तुमने ई को इंट्रोड्यूस क्यों किया। चलो मेरे बात समझ में आती है कि कहीं फील्ड होता है और वहाँ स्ट्रेंथ होती है, और चलो बात ये भी सही है, अर्थ किसी जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, ज़्यादा खींच रही है, अब इरिस्पेक्टिव वहाँ पर 5 kg का मास है कि 15 kg का मास है, तो ई भी समझ में आ गया, सही है। चलो एनर्जी तो मेरे बात समझ में आती है कि एनर्जी तो पढ़नी ही पड़ती है, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि पोटेंशियल क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्या है ये पोटेंशियल की वैल्यू। मेरे को ये तो समझ में आता है, मेरे को ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की चीज़ तो एग्जिस्ट करती है, और मुझे सिखाया गया है कि बाई नेचर पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल मुझे डायरेक्शन बताता है चार्ज की, कहाँ से कहाँ चार्ज जाएगा ये मैं बता सकता हूँ, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ से आ गया। फिजिक्स में दो ही चीज़ें चलती हैं, सिर्फ दो ही चीज़ें, किसी भी कॉन्सेप्ट को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक फोर्स और दूसरी एनर्जी, बस। अब एनर्जी पोटेंशियल हो, वर्क डन की फॉर्म में हो, कैसी भी हो, या तो कॉन्सेप्ट जूल से है या कॉन्सेप्ट न्यूटन से है। जैसे मैंने इस टेबल को वहाँ फोर्स लगा के या मैंने इस टेबल को डिस्प्लेस कर दिया, अब आधे स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे फोर्स लगा लगा के, कितनी फोर्स लगाई थी, इतने न्यूटन डिस्प्लेस हो गया, और आधे क्या करेंगे इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कि कितना वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट हुआ, और वो वर्क डन जूल्स में निकाल लेंगे। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल वही हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट फोर्स का चल रहा है, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का चल रहा है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो न्यूटन जूल चल रहे हैं दोनों, और फोर्स से एक नई चीज बाहर निकल के आई, फोर्स बाय मास ई। एनर्जी से भी एक नई चीज निकल के आएगी, एनर्जी बाय मास, उसे भी बोलते हैं पोटेंशियल। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास इज ई, और एनर्जी पर यूनिट मास इज वी। तो वी की डेफिनेशन है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। जैसे ये अर्थ है, ये पॉइंट मास है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, माइनस GMM बाई स्मॉल आर, लिख लिया। पर मेरे को ये एनर्जी निकालनी नहीं है, मेरे को तो वी निकालना है, तो वी का फॉर्मूला क्या है, इस एनर्जी को छोटे मास से डिवाइड कर दो, छोटा मास कट जाएगा तो वी बच जाएगा। वी पोटेंशियल कौन लगाता है, ये पॉइंट मास बिल्कुल नहीं लगाता। पोटेंशियल कौन लगाता है, अर्थ लगाती है, प्लैनेट लगाता है, ई भी प्लैनेट लगाता है, वी भी प्लैनेट लगाता है। तो ये आपको स्केलर फॉर्म में अर्थ के फील्ड की स्ट्रेंथ दे रहा है, वो फैक्टर फॉर्म में ई स्ट्रेंथ देता है, ये स्केलर में वही काम करके दिखाता है ये स्ट्रेंथ देता है, राइट। तो वी का फॉर्मूला क्या बना, माइनस जी बड़ा एम बाय स्मॉल आर। पर एक बात समझ नहीं आई, एक स्टूडेंट कहता जी मैं घर गया और मुझसे पूछा क्या पढ़ के आया, मैंने कहा पोटेंशियल, तो उन्होंने बोला पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने बोला कि एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, जो बचा वो पोटेंशियल। ये तो बात नहीं बनी, कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन, कोई ऐसे थोड़ी ना साइंटिस्ट बैठा था उसने कहा ऐसे मास से डिवाइड नई चीज़ निकाल लेंगे, कुछ तो लॉजिक होता होगा, कुछ तो लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो। ये क्यों डिफाइन किया गया और ये कर क्या रहा है, ये देखो, इसको समझने के लिए ये देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जो बड़ी काम की चीज़ है। ये देखो, ये आपके सामने अर्थ है, मुझे एक एक चीज़ करके आंसर देना, ये अर्थ है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्मॉल एम, लेट अस सपोज यहाँ पर है स्मॉल एम, और अर्थ की फोर्स कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स सेंटर। अर्थ की जो फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स कहाँ लगती है, टुवर्ड्स सेंटर, राइट। यहाँ तक क्लियर है, तो अगर मैं इस मास को छोड़ दूँ वो कहाँ आएगा, टुवर्ड्स सेंटर आने की कोशिश करेगा, राइट। तो फोर्स का वेक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे बता रहा है कि ये मास कहाँ गिरेगा, समझ में आ रहा है, इसको पुश पुल लग रहा है, खींचने का पुल लग रहा है, और वो पुल डाउनवर्ड्स है, सही है। दूसरा, ई की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स सेंटर, वो क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में ई वेक्टर भी है। तो मैंने एक स्टूडेंट से ये पूछा कि भाई ये बता कि एक पॉइंट मास है, अर्थ मैंने ड्रॉ नहीं की, एक पॉइंट मास है, और मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि ई वेक्टर नीचे है, किसी प्लैनेट की वजह से फील्ड नीचे है, तो बोलिए मास कहाँ जाएगा,
नीचे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में एफ है, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। समझ में आ रहा है? तो एफ भी आपको डायरेक्शन बता रहा है और ई भी आपको डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा कॉन्सेप्ट एनर्जी का। एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या सीखा? यहाँ पे एनर्जी लेटर सपोज -10 जूल थी, यहाँ पे एनर्जी -9 जूल थी, -8 जूल थी। तो अगर मैं ये बात करूं कि एनर्जी की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होती जाती है? डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो मैंने ये पूछा कि लेट अस सपोज मैंने कोई अर्थ नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, मैंने स्टूडेंट से पूछा कि एक स्पेस है, उस स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नीचे जाते हुए क्या हो रही है? डिक्रीज। तो बोल अगर मैं पॉइंट मास को यहां रिलीज कर दूं वो कहां जाएगा? ऊपर की नीचे? नीचे। क्यों? क्योंकि जहां पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस डायरेक्शन में ही फोर्स है। आपके सामने तीनों वेक्टर देख रहे हो, नीचे, तो इसमें भी नीचे, इसमें नीचे, इसमें नीचे, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो गई ना कि पॉइंट मास डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ नीचे आएगा। राइट, क्लियर है यहां तक? लास्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, पोटेंशियल का सेम कॉन्सेप्ट है -gm/r। तो मान लो यहां पर पोटेंशियल है 10 जूल/kg, इसके यूनिट है एनर्जी अपॉन मास। तो यहां पर कितने हैं? -9 जूल/kg, -8 जूल/kg। आप देख रहे हो नीचे की तरफ पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो अगर मैं एक पॉइंट मास को यहां रिलीज कर दूं वो कहां मूव करेगा? जहां पोटेंशियल घट रहा है, कम हो रहा है, वो वहां जाएगा। आपने कहा था कि नीचे क्यों जाता है, रीजन अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने, उसकी एनर्जी कम होती है नीचे आने में। ठीक, उसका बस चले तो सेंटर में जाके बैठ जाए अर्थ को तोड़ता हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया, ये पॉइंट मास है, मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी जगह पे ले गया, आपको अर्थ भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, खाली स्पेस है, अंधेरा है, बस ये बताओ, एक मास दे दिया क्वेश्चन, और आपको ये दे दिया कि पोटेंशियल की वैल्यू इस तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रही है और जब मैं इसे रिलीज करूंगा तो ये मास कहाँ जाएगा? राइट की लेफ्ट? राइट, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको अर्थ थोड़ा देगा, वो तो पहचान लोगे अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको दो पॉइंट के पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल देगा, और दो पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू को देखते आप बता दोगे कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है मास वहीं जाएगा। तो मास कहां कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? अगली बार इसके न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं जितने भी हैं, यहां तक क्लियर है?